यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह, यहाँ पे आपको चार पट्टे दिख रहे होंगे। दो पट्टे बॉक्स में हैं और दो पट्टे ये सामने बैठे हैं। यहाँ पे आपको एक पट्टा दिख रहा होगा वाइट यूरो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे ब्लू स्टार के पट्टे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह दो बच्चे हैच हो चुके हैं और तीन अंडे फर्टाइल हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी हैच हो जाएंगे। यहाँ बैंगलिस इंक्यूबेट कर रही है इसको। यहाँ पे आपको माशाल्लाह इंग्लिश ज़ेब्रा के तीन पट्टे दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, साइज़ चेक कर सकते हैं आप इनका कितना ज़बरदस्त साइज़ है। यहाँ बैंगलिस बच्चों को फीड करवा रही है अभी छोटे शिक से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश ज़ेब्रा के पट्टे हैं। माशाल्लाह चार पट्टे हैं यहाँ पे इंग्लिश ज़ेब्रा के। एक छोटा पट्टा है ये इधर बैठा हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, नेस्टिंग यहाँ की भी चेंज होगी। यहाँ पे भी बैंगलिस फीड करवा रही है बच्चों को। यहाँ पे भी पट्टे हैं, एक पट्टा ये बैठा हुआ है बाहर झांक रहा है और दो पट्टे बाहर हैं, एक ये नीचे बैठा हुआ है। और एक ये ऊपर बैठा हुआ है सामने। यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं और बॉक्स की हालत भी बहुत गंदी है, साफ़ होंगे बॉक्स।
देखें यहाँ पे एक बच्चे को फीड करवा रहे हैं बक्स, ये भी चेक करना होता है डेली। इस तरह सारे बॉक्स चेक करते हैं। छः बच्चे हैं माशाल्लाह। रोज़ाना माशाल्लाह बग जो है वो फीड बनाते हैं और चेक करते हैं सारे बॉक्सेस। जहाँ छोटे बच्चों को फीड वगैरह नहीं कराई होती बैंक डिस्ट में, वहाँ ये इस तरह फीड करवाते हैं एक एक बच्चे को। माशाल्लाह बहुत मेहनत का काम है, लेकिन चेक करते हैं सारे बॉक्सेस ये डेली। यहाँ पे देख सकते हैं आप माशाल्लाह, यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप, पांच बच्चे हैं जावा के, छोटे ही हैं। इस तरह माशाल्लाह यहाँ पे भी इंग्लिश ज़ेब्रा के पट्टे हैं रेडी। कुछ टाइम में इनको मूव करेंगे बस। यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश ज़ेब्रा के दो पट्टे दिख रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो छोटे चिक्स हैं और दो एग्स हैं, फर्टाइल नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह फोन जावा के चार पट्टे हैं, ये अभी रेडी नहीं हुए। इंशाल्लाह बहुत जल्द रेडी होने वाले हैं, इनको यहाँ से मूव करेंगे फिर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे भी पट्टे आपको दिख रहे होंगे गोल्डन के। ये भी अभी रेडी नहीं हुए। यहाँ माशाल्लाह आपको एल्बिनो एरो के पट्टे दिखेंगे, रेड आई पट्टे हैं ये, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह तीन पट्टे हैं, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इनके साइज़ वगैरह भी। रेड आई पट्टे हैं ये माशाल्लाह। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह, यहाँ पे आपको दो डायमंड के पट्टे दिख रहे होंगे। ये अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुए, इंशाल्लाह ताला बस कुछ दिन में रेडी जाएंगे, फिर यहाँ से मूव करेंगे इन्हें। ये डायमंड फर्टाइल के पट्टे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे एक वाइट यूरो और एक चॉकलेट वाइट का पट्टा है।
एक वाइट एरो और एक ये ब्लैक ब्राउन एरो का पट्टा आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, साइज चेक करें इसका। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे भी जेबरा के पट्टे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे गोल्डन के पट्टे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन के पट्टे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं, यहाँ डायमंड का एक पट्टा आपको दिखेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका साइज भी। यहाँ पे ये एक पट्टा है, इससे पहले आपको यहाँ दो पट्टे दिखाएंगे, इनके साइज भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और ये साइज भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह डायमंड के। और माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे आप शाफ्टेल के पांच पट्टे दे सकते हैं। बस ये रेडी होने वाले हैं इंशाल्लाह, कुछ टाइम के बाद यहाँ से इन्हें मूव करेंगे। शाफ्टेल के काफ़ी पट्टे भी पहले रेडी हुए थे, लेकिन वो माशाल्लाह सब सेल हो चुके हैं। अब ये दोबारा रेडी हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जावा के पट्टे हैं तीन, ये छोटे पट्टे हैं अभी सिल्वर जावा के, बॉक्स से बाहर आए अभी ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वाइट एरो के पट्टे हैं, दो बाहर बैठे हुए और बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बाहर भी बैठे हुए हैं। और यहाँ माशाल्लाह आपको गोल्डन के पट्टे दिखेंगे, यहाँ पे छः पट्टे हैं गोल्डन के। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, छः पट्टे गोल्डन के हैं। यहाँ पे आपको एक येलो बैग गोल्डन का पट्टा दिखेगा, ये देख सकते हैं आप।
यहाँ आपको माशाल्लाह फोन जावा के चार पट्टे दिखेंगे, ये अभी छोटे हैं। यहाँ पे एक कॉमन आउल और एक पैरोट फिंच का पट्टा है, ये भी प्रॉपर रेडी नहीं हुए और इंशाल्लाह बस ये रेडी होने वाले हैं, फिर ये मूव करेंगे। यहाँ पे आपको तीन पट्टे दिखेंगे फोन जावा के। एक सिल्वर जावा है और तीन फोन जावा। यहाँ पे पहले मैंने आपको चार फोन जावा के पट्टे दिखाए थे, वो इधर हैं ये, और माशाल्लाह यहाँ पे तीन फोन जावा और एक सिल्वर जावा का पट्टा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे जेबरा, इंग्लिश जेबरा के तीन पट्टे हैं और ये नॉर्मल पट्टे नहीं हैं, यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये रेड आई पट्टे हैं इंग्लिश जेबरा के। इनके साइज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, हेल्थ भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है इनकी, रेड आई जेबरा में पट्टे हैं माशाल्लाह इंग्लिश जेबरा के। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश जेब्रा के पट्टे दिखेंगे। यहाँ पे तीन पट्टे हैं इंग्लिश जेब्रा के। यहाँ गोल्डन के चिक्स हैं, अभी बेंगलिस इनको फीड करवा रही हैं। गोल्डन के चिक्स हैं ये। यहाँ माशाल्लाह आपको पार्सन फिंच के पट्टे दिखेंगे। पार्सन फिंच के ही पट्टे अगर किसी को चाहिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये माशाल्लाह अच्छे साइज में है और अभी ब्रीड के लिए रेडी होने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इनके कलर्स वगैरह, इनके साइज़ वगैरह भी। यहाँ आपको लोटिनो गोल्डियन के तीन पट्टे, तीन बच्चे आपको लोटिनो गोल्डियन और तीन इनके स्प्लिट्स हैं जो सामने बैठे हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं वो लोटिनो और कॉमन गोल्डियन का पेयर है, उसके बच्चे हैं ये छः। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं आप। इनके पाँव में भी रिंग्स नहीं है, इनको रिंग्स भी पहनाने हैं, इंशाल्लाह ताला रिंग्स पहनाएंगे इनको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे भी इंग्लिश जेब्रा के पट्टे हैं, चार पट्टे हैं ये। बस हमारा आज का बेंगलिस रूम का विजिट कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और माशाल्लाह आपने देखा कि काफ़ी बॉक्सेस के अंदर, हर दूसरे तीसरे बॉक्स के अंदर बच्चे हैं और काफ़ी जगहों पे फर्टाइल एग्स हैं जो अभी हैच होने वाले हैं। इंशाल्लाह जब वो हैच होंगे आपको उनका रिजल्ट भी दिखाएंगे।
और जितना ज़्यादा आप अपने परिंदों की केयर करेंगे, जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उतनी अच्छी आपको ब्रीड मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तमाम बॉक्सेस के अंदर आपको अंडे बच्चे दिखेंगे हमारे पास, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, परिंदों का ख्याल रखें, उनकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। अभी हमने यहाँ विजिट करते हुए काफ़ी चीज़ें नोट की, काफ़ी बॉक्सेस की नेस्टिंग चेंज करनी है। और क्योंकि देखें, अगर नेस्टिंग के अंदर जो बॉक्सेस के अंदर नेस्टिंग ख़राब होगी, गंदी होगी, या केजेस आपके गंदे होंगे, उससे जरासीम और बैक्टीरिया बहुत फैलेगा। गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से स्मेल बहुत आएगी, परिंदा आपका बीमार होगा। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, अपने परिंदों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ताकि वो बीमारी से बच सकें। और दूसरा, उनको नहाने का पानी वगैरह आप दें, ताकि वो गर्मी से सेफ रहें। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ गर्मी जब स्टार्ट हुई है, तो हमने फौरन अपने डेगेस रूम को कवर किया, एसी वगैरह लगवाया, ताकि इनको यहाँ पे सुकून मिल सके। और अल्लाह का करम है कि अभी जब से एसी ऑन कर रहे हैं, यहाँ परिंदे सेट हैं हमारे अब, और गर्मी वगैरह नहीं है रूम के अंदर इतनी। टाइम टू टाइम एसी को चलाते हैं, ताकि जैसे 2 घंटे चला लिए, 3 घंटे चला लिया, और उसके बाद फिर बंद कर दिया, ताकि रूम में ज़्यादा कूलिंग भी ना हो और कवर रहे, टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल सेट रहे वो अपने। और अपने परिंदों को आप जैसे नहाने का पानी वगैरह दें, छत वगैरह तो खुले बर्तन में पानी रखें, ताकि जो आज़ाद परिंदे हैं, कबूतर, चील, कौवे वगैरह, ये तमाम पानी वगैरह पी सकें और ना सकें, ताकि इनको भी ज़्यादा गर्मी से नुकसान ना हो। तो दूसरा ये कि आपने देखा कि काफ़ी सारे पट्टे अभी रेडी होने वाले हैं, जो अभी यहाँ से मूव करेंगे। इससे पहले जो पट्टे हमने यहाँ से मूव किए थे, माशाल्लाह काफ़ी सारे उसमें से सेल हो चुके हैं। अभी कुछ पट्टे बाकी हैं, किसी को चाहिए हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वाइट एयर फिश के पट्टे भी हैं, स्टार फिश के पट्टे भी हैं, ब्लू स्टार के भी हैं, काफ़ी सारे पट्टे मतलब मिल जाएंगे आपको, कॉमन गोल्डन वगैरह येलो बैग के भी। अगर किसी को चाहिए तो हमें खूब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इन शाला तला एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।